गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं सेकेंड एपिसोड में पेरोल को आगे बताने वाला हूँ। हम लोग आगे सीखेंगे क्या पेरोल का, जो हम लोग का पार्ट छूट गया था। जो नए लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ पहले आप फर्स्ट एपिसोड देखिए, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि पेरोल हम लोगों ने क्या सीखा था। और वो लेक्चर देख के दोबारा देखिए, तब आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा सेकेंड एपिसोड। तो मैं पहले बताऊंगा आपको, पहले फर्स्ट एपिसोड देखिए। और जो फर्स्ट एपिसोड देख चुके हैं उनका बहुत ही अच्छा है, वो आ सकते हैं राइट वो सेकेंड एपिसोड के लिए। तो दोस्तों, हम लोग पेरोल इन्फो में सीखा था एम्प्लॉय कैटेगरी बनाना, ग्रुप बनाना, एम्प्लॉय बनाना, यूनिट्स बनाना, अटेंडेंस बनाना। हम लोगों ने पांच ये देख लिया था। आज हम लोग पे हेड बनाएंगे दोस्तों राइट। तो चलिए पे हेड पे जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका ये पे हेड का पेज खुल गया है। पे हेड में हम लोग एम्प्लॉय को जो पे करते हैं वो क्रिएट करना होता है। मैं बता देता हूँ पे हेड में आप क्रिएट क्या कर सकते हैं। बेसिक डियरनेंस अलाउंस DA, TA और आपका ESI, ये सब आप देते हैं एम्प्लॉय को। कन्वीनियंस ऑफ अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब आप बना सकते हैं। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओवर टाइम भी होता है, कितना बार ओवर टाइम भी एम्प्लॉय करते हैं, जो उन कंपनी में अपना ओवर टाइम दिखाते हैं, जो ओवर टाइम पे करते हैं कंपनी, वो ओवर टाइम भी पे हेड में ही रखते हैं। बहुत सारे कंपनी पे हेड में नहीं रखते हैं, वो अलग से पे कर देते हैं, लेकिन वो भी पे हेड का ही पार्ट है राइट। तो आइए हम लोग पहले बेसिक बनाते हैं राइट। बेसिक पे लिखेंगे लेजर नेम्स, उसके बाद इंटर करेंगे। और बेसिक पे हमेशा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, तो ये इसमें नहीं लेना है आपको कुछ। अगर आप ले भी सकते हैं, इसमें आपका कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह से पे करती है डिडक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज, लेकिन हमेशा नॉर्मली कंपनी में यही होता है, अर्निंग्स होता है एम्प्लॉय का, उसमें रखेंगे। और ये फिक्स्ड होता है फ्रेंड, ये आपका बेसिक पे है, जो वेरिएबल नहीं होता, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड में रखिए। बट आपका ऑप्शन है वेरिएबल, तो आप रख भी सकते हैं। वो कंपनी की अपना पॉलिसी पे डिपेंड करता है, उस क्या रखना दिखाना चाहते हैं वो। अब ये देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपका ये कंपनी के लिए क्या होगा। बेसिक पे जो कंपनी पे कर रही है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेसिक पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे आप। अफेक्टेड नेट सैलरी, हाँ तो नेट सैलरी से अफेक्टेड होता है, तो इसलिए इसको येस रखिएगा। इस किस नाम से जानेंगे पे स्लिप में, हम लोग पे स्लिप जो है उसमें किस नाम से इसको जाना जाएगा, तो बेसिक पे के नाम से ही जाना जाएगा फ्रेंड। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर ग्रेचुटी मिलता है तो कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं कर सकते। तो मैं अभी इसको नो रख दे रहा हूँ राइट। हम लोग देख लेंगे कि ग्रेचुटी कैसे सेटअप करते हैं, तो अभी आप इसको नो रखिए। सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स, यस कर सकते हैं यहाँ पे आप। और यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन टाइप, किस तरह से ये मिलेगा सैलरी, ये बेसिक पे किस तरह से इनको दिया जाएगा, तो ऑन अटेंडेंस पे दिया जाएगा। उसके बाद एक और आपका खुल गया ऑप्शन, प्रेजेंट या एब्सेंट, तो प्रेजेंट करिएगा। देख रहे हैं सारा कुछ आ रहा है ना। यहाँ पे हम लोगों ने अटेंडेंस बनाया था, तो अटेंडेंस का यूज कर लिया पे हेड बनाने में। मैंने बताया था ना पे हेड में ये सब काम होगा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था प्रेजेंट या एब्सेंट का, तो टाइप आ गया ना प्रेजेंट। अब कैलकुलेशन पूछ रहा है कि किस कल पीरियड के लिए दिया जाएगा, तो मंथ में दिया जाता है, डे में दिया जाता है, तो मंथ हम लोग ले लेंगे। डे में मिलता है तो डे लीजिएगा, ईयरली मिलता है तो ईयरली वहाँ पे ले सकते हैं आप लोग। और एक चीज़ और आ गया फिर, बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे, कैलेंडर पीरियड से दिया जाता है आपको, या फिर यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप मतलब किया हुआ है, नहीं तो आप किस तरह से देते हैं, तो आपको एक ऑप्शन देता है टैली ERP9, कि आप यूजर डिफाइंड एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और बता दीजिए कि एक मंथ में कितना डेज होते हैं आपके पास। तो 26 का अगर पे करते हैं तो 26 लिखिए, 30 पे करते हैं तो 30 का लिखिए। मैं 26 लिख दिया इसमें। फिर बता रहा है कि इसमें आप राउंडिंग कैसे करते हो, तो नॉर्मल राउंडिंग हम लोग करेंगे
नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट किया और कितना राउंडिंग होगा तो एक होगा, लिमिट एक एक रुपया का लगा दे रहे हम लोग कि एक रुपया का अगर वेरियंस होगा तो उसको राउंड कर लेंगे। और इसका कुछ ओपनिंग है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बेसिक पे बन गया। अब एक हम लोग बना लेते हैं एच आर हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस के लिए जो एच आर ए मिलता है वो ये भी फिक्स्ड होता है, पर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा कुछ वैसा ही चलेगा। कुछ कुछ जगह है अपना जो हम लोगों ने देख लेंगे। तो यहाँ पे एच आर ए आ गया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्या है कि जो भी आप यहाँ पे नेम लिखिएगा वही यहाँ पे लिस्ट होगा। अगर हाउस रेंट अलाउंस लिख देते तो यहाँ पे लिखा जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, है ना। एंड कैलकुलेशन ग्रेचुटी का रखना चाहते हैं तो येस नो आपके ऊपर डिपेंड करता। और इसमें यहाँ पे आपको लिखाना पड़ेगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि ये डिफाइन किया जाता है कि बेसिक पे ही कंप्यूट किया जाएगा। इसमें हम लोग यूजर डिफाइन नहीं करेंगे, अटेंडेंस ये सब नहीं लगाएंगे, राइट। तो कंप्यूटेड वैल्यू कर लेते हैं और नॉर्मल राउंडिंग हम लोग रखेंगे 1। अब इसमें आपको एक पूछ रहा है इसमें मैथड ऑफ कंप्यूटेशन, किस तरह का मैथड आप अपनाना चाहते हैं। बहुत सारा कंपनी का अपना अपना मैथड होता है, तो आप जिस तरह का मैथड रखना चाहते हैं। इसमें इन्होंने बता रखा है कि आपका 3 मैथड उन्होंने बता रखा है, लेकिन एक ऑप्शन दिया कि कोई स्पेसिफिक आपके पास फार्मूला है तो आप लगाइए। हम लोग स्पेसिफिक फार्मूला सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो मिलेगा हमारा, आपको पता होगा एचआरए बेसिक पे मिलता है, तो बेसिक कर लेंगे और इंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। पूछ रहा है कब से इफेक्टेड होगा, तो 1/4 से ये इम्प्लाई ज्वाइन किया तो 1/4 से इफेक्टेड होगा। इसमें 2 ऑप्शन आ जाता है आपका, कितना अमाउंट तक दिया जाएगा, नहीं तो क्या परसेंटेज होगा। नहीं तो आप अमाउंट ले सकते हैं, नहीं तो आप परसेंटेज में दे सकते हैं, तो हम लोग परसेंटेज रखते हैं। तो वैल्यू का 40% एचआरए हो जाएगा, हम लोग 40% परसेंटेज में डाल दें और इसको सिंपल से एक्सेप्ट करा लेना, तो आपका एचआरए का भी लेजर बन गया। हम लोग दोस्तों एक और बना रहा हूँ, हम लोग एक लेजर और बनाएंगे पे हेड का, जिसको ओवर टाइम नाम देंगे। ओवर टाइम सॉरी ओवर टाइम पे, राइट। ओवर टाइम के नाम से इसको जानेंगे। और ओवर टाइम में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कहाँ पे चेंजेस होगा मैं बता दे रहा हूँ। ये कैलकुलेशन टाइप में हम लोग चेंज करेंगे। ओवर टाइम हमेशा प्रोडक्शन पे दिया जाता है और बस प्रोडक्शन ले लेंगे और ये ओवर टाइम होगा। हम लोगों ने बनाया था कि अगर मिनट्स में भी वर्कर काम करता है तो इसका जो यूनिट्स बनाया था याद होगा आपको, कंपाउंडिंग यूनिट्स उसमें ले लेंगे, नहीं तो आप नॉर्मल ओवर टाइम का जो यूनिट्स है आर्स में भी दे सकते हैं। अगर कोई एम्प्लाई 1 घंटा 15 मिनट काम करता है तो 15 मिनट का भी पैसा वो मांगेंगे ना, तो इसलिए हम लोग कंपाउंड यूनिट यूज करते हैं, तो वो ले लेंगे। नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज़ से कर देंगे और ये लेजर को एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए हमारा अटेंडेंस सॉरी ये पे हेड बन गया। दोस्तों हम लोगों ने देख लिया पे हेड कैसे बनाते हैं, उसके बाद सैलरी डिटेल्स देखना है। सैलरी डिटेल्स फिल करने के बाद ऑलमोस्ट आपका क्रिएशन जो है पेरोल इन्फो में हम लोग का ख़त्म हो जाएगा मास्टर, राइट। वाउचर टाइप्स होता है एक, वो मैं बता दूंगा आपको। तो आइए सैलरी डिटेल्स फिल करते हैं। तो सैलरी डिटेल्स में जाएंगे और डिफाइन का एक ऑप्शन आएगा, उसमें इंटर करेंगे। देखिए हम लोगों ने रमेश नाम के एक एम्प्लॉय बनाया था, रमेश को इंटर करेंगे। और अब ऐसा है एक फॉर्म खुल गया आपको, इसको फिल करना है। पूछ रहा है इफेक्टिव फॉर्म, किस डेट से इफेक्टिव है रमेश जो हमारे पास कब से काम कर रहा है, तो हम लोग उसका डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसको क्या पे होगा, हम लोगों ने पे हेड बनाया तो बेसिक पे होगा, कितना होगा तो 10,000 अगर बेसिक है उसका तो दे देंगे, पर मंथ होगा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जिस तरह से अगर आता है, राइट। ईयर में पे करते हैं तो पर ईयर आया, टोटल डालना पड़ेगा बेसिक का पर ईयर। एचआरए पे होगा, एचआरए वो बेसिक पे ही ले लेता है आपका। ओवर टाइम पे होगा, ओवर टाइम होगा मान लिया जाए 100 रुपये पर आवर्स होगा, 1 घंटा काम करेगा तो 100 रुपये मिलेगा उसको। उसके बाद यहाँ पे आप फिर से बना सकते हैं पे हेड, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया उसमें इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी आप ऑल्ट सी प्रेस करके पे हेड बनाइए,
सेमी प्रोसेस है, आप इसमें ईएसआई का पे हेड बना सकते हैं, आप प्रोविडेंट फंड का पे हेड बनाइए जैसा आपका है। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है कि यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, शॉर्ट की है, और यहाँ पे आइए और पे हेड बना लीजिए। फिलहाल मैं इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, कोई और इम्प्लॉय का बनाना है यहाँ पे, इसको कुछ और मिलता है अगर रमेश को, तो फिर से यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कीजिए, कुछ 1/5/17 से कुछ और मिलता है इसको, तो पूछ रहा है प्रीवियस कॉपी वैल्यू या फिर स्टार्ट फ्रेज, अगर प्रीवियस कीजिएगा तो सारा कॉपी हो जाएगा, राइट। और फिर आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये आपका सैलरी डिटेल्स फिल हो गया, जो भी हम लोगों ने सैलरी डिटेल्स का फुलफिलमेंट करना था ये सारा इसमें हो गया। अब हम लोग को सिंपल सा एक अटेंडेंस करके मैं दिखाता हूँ कि अटेंडेंस कैसे बनाया जाता है इसमें, राइट। पेरोल में पहले अटेंडेंस लगाया जाता है, फिर उसका पेरोल एंट्री किया जाता है, है ना। तो पहले देखिए अटेंडेंस करने के लिए आइएगा पेरोल वाउचर्स में, सब यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रांजेक्शन में, अब तीन हो गया है, एक अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर एंड पेरोल वाउचर। तो आइए पेरोल वाउचर में आते हैं, और अटेंडेंस खुला हुआ है लेकिन इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+F5, Ctrl+F4 से हम लोग बनाते हैं पेरोल, पेरोल का जो वाउचर बनता है सैलरी बनाते हैं, और अटेंडेंस Ctrl+F5 से। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपको कौन कौन सा इम्प्लाई का आपने सैलरी डिटेल्स फिल किया है, या फिर कौन कौन सा इम्प्लाई आपने बनाया है, ये सारा इम्प्लाई यहाँ पे लिस्ट होगा आपको, लिस्ट ऑफ इम्प्लाई, एक ही मैंने बनाया था, हम लोगों ने एक ही किया था, तो इम्प्लाई को सेलेक्ट कर लेंगे, उसका इम्प्लाई कोड अपने से आ जाएगा यहाँ पे, इम्प्लाई नंबर, और पूछ रहा है कि अटेंडेंस क्या है इसका, किस टाइप का है, तो एब्सेंट या परजेंट, परजेंट में आप जाइए, परजेंट कितना दिन क्या, अगर सपोज कीजिए अगस्त का अटेंडेंस है, या फिर अप्रैल का मैं बना दे रहा हूँ, अगस्त का रहने दीजिए, अगस्त का अगर अटेंडेंस है उसमें ये 20 डेज परजेंट था, तो पूछेगा कुछ और, या फिर एब्सेंट किया है तो किया है एब्सेंट, तो फिर से रमेश को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एब्सेंट डालिए, कितना दिन का एब्सेंट है। नहीं तो इसमें एक और फीचर्स होता है कि सिर्फ आप परजेंट डालिएगा तो एब्सेंट आप ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, वो हम लोग देखेंगे कैसे जब एडवांस पेरोल का हम लोग सेटिंग देखेंगे उस समय। यहाँ पे हम लोग इसको एब्सेंट में डाल दे रहे हैं, अगर 26 दिन तो 6 इसको एब्सेंट है, ओवर टाइम कुछ किया तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, रमेश कुछ ओवर टाइम किया है तो यहाँ पे 2 डेज मान लीजिए, चलिए कि 2 आवर्स ये ओवर टाइम किया, 2 आवर्स हो गया, आप एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। लेकिन ये सब जो आपका बनाना पड़ रहा है अटेंडेंस वैसा नहीं बनाना पड़ेगा, एक एडवांस फंक्शन है इसका, मैं बताऊंगा आपको अपना 3rd एपिसोड में कि ये कैसे किया जाता है। अभी आप नॉर्मल है तो नॉर्मल बना लीजिए, राइट। अब इसको आप लिख दीजिए अटेंडेंस कंप्लीट, 31, 5, 17, है ना, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अटेंडेंस हम लोग बनाना सीख लिया फ्रेंड, तो आइए फ्रेंड हम लोग पेरोल एंट्री करते हैं। अब इसके बाद एक बच गया अपना पेरोल एंट्री कैसे करते हैं, तो पेरोल वाउचर्स में आएंगे हम लोग, और ये मोड पूछेगा किस मोड में पेमेंट हो रहा है, पेरोल वाउचर में आएंगे, उसके बाद पेरोल पूछेगा किस मोड में एंट्री हो रहा है। पेरोल वाउचर्स में आने के लिए इसका शॉर्टकट की है पेरोल एंट्री करने का, Ctrl+F4, Ctrl+F4 करते हैं तो पेरोल में आ जाता है। तो कैश से दे रहे हैं या फिर बैंक से, तो बैंक सेलेक्ट किया हमने। अब किस डिपार्टमेंट का पेमेंट है, कैटेगरी पूछ रहा है आपका, तो हम लोगों ने बनाया था ब्रांच, ब्रांच में एक रमेश इम्प्लाई था, उसको बेसिक पे किया था, 10,000 देंगे, और उसको बेसिक के बाद क्या मिला है, HRA मिला है 40% का, उसके बाद ओवर टाइम मिला है 2 आवर्स का, राइट। अब इसको एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे और कुछ भी आपका अगर है ESI ये सब, तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं और ऑल्ट सी से और डाल सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं है, और इसके बाद कुछ नहीं पे हुआ तो आप इसको सिंपल से एक्सेप्ट कर लीजिए, और ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे सारा बैंक का डिटेल्स भरिए, अपना इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर, और रेशन आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये पेरोल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट जो भी ऑपरेशनल वर्क होता है पेरोल में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 90% हम लोगों ने देख लिया,
कि पेरोल में अगर हम लोग काम करते हैं तो 90% हम लोगों ने सीख लिया इसमें। अब इसमें 10% ही है जो क्रैक्स रह गए, वो मैं थर्ड एपिसोड में बता दूंगा आपको कि 10% क्या है, और वो रिपोर्टिंग से रिलेटेड है फ्रेंड, वो सारा कुछ है जो रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। और कुछ कुछ और पेरोल का एडवांस सेटिंग है वो मैं सिखा दूंगा एपिसोड थर्ड में, तो एपिसोड थर्ड को भी देखिए राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप नहीं सीख पाएगा, क्योंकि पेरोल बहुत ही भूलने का चीज़ है ईजी लेकिन भूल जाता है इंसान राइट। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपना प्रैक्टिस लाइफ में लाइएगा तभी सीखिएगा, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए राइट, ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो भी एक लर्नर है, टैली सीख रहे हैं, तो उनको भी पता चले कि पेरोल में काम कैसे किया जाता है ना। तो थैंक यू, आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।